हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आर चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 22 और $0 वाला चैलेंज है जो भाई आज अगला पार्ट बनाएंगे। और वीडियो भाई स्टार्ट करने से पहले हर वक्त बोलता हूँ भाई, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करो। बाकी मीटर शीटर भाई लगा रखा है यहाँ पे, और भाई बढ़िया, मतलब कि बढ़िया तरीके का है यार ये तारे वारे का काम, भाई एकदम अच्छे से किया मिस्त्री ने जितने भी किया है। और भाई अभी जो बात कुछ ऐसे है कि कल हमने काटी थी भाई ये फसल, तो पता नहीं भाई स्ट्रा क्यों गायब हो जाती है खेत से। चलो कोई नहीं, तो ऐसे ही हमने खेत वहाँ पे भी काटा है, वहाँ पे भी ऐसे स्ट्रा जो गायब हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है। मेरे ख्याल से किसी बंदे का खेत है ना, वो उठा लेता है, तो वहाँ पे भी गायब हो चुकी है। तो चलो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कल हमने काटी थी भाई यहाँ पे जो फसल। उसके बाद भाई हमें काटना था, वहाँ पे 2 किल्ले हैं बंदे के, तो मैं भाई सुबह 10 बजे निकल गया था, 10 11 12, अब 12 बजे मैं बिल्कुल हट गया था भाई वहाँ से काट के। अभी 13 मिनट मुझे भाई पैदल आते यहाँ पे हो गए, क्योंकि मैं पहले लेके गया था मशीन करतार, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली लेके गया था अर्जुन, और अभी जो मैं लेके जा रहा हूँ भाई न्यू हॉलैंड 3630। क्योंकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि भाई इसकी ज़रूरत पड़ी है, पर होने वाला है, क्योंकि भाई वहाँ पर जो चढ़ाई वगैरह है तो ट्रैक्टर मेरे ख्याल से नहीं चढ़ पाएगा, तो उस वजह से भाई मैं इसको लेके जा रहा हूँ न्यू हॉलैंड को। बाकी भाई वहाँ पे आपको दिखाता हूँ चक्कर क्या पड़ा है कि न्यू हॉलैंड की जूत क्यों पड़ रही है। क्योंकि भाई वहाँ पे है जो है, एक मिनट यार इसके, हाँ सही है मेरे ख्याल से, फ्रंट एक्सल ऑफ है ये। भाई मैंने नया मोड लगाया यार, इससे भाई क्या है कि इसका डिफरेंशियल लोग बढ़िया चलता है। तो चलते हैं भाई, दिखाता हूँ आपको क्या चक्कर है। अभी तो जरूरत नहीं टोचन की, स्वराज अपना वहाँ पे खड़ा भाई, इसको कितने दिन हो गए वहाँ पे लेके भी जाना, अपना झगड़ा साहब के साथ पास टायर वगैरह मॉडिफाइड करवाने। तो दिखाता हूँ भाई क्या चक्कर है। तो हमने फसल वगैरह काट दी है भाई, अब मैं आपको बताया भाई 2 घंटे में काट दी, तो बाकी ट्रैक्टर लेके गया हूँ, लोड है सब कुछ, माल लोड है, मशीन भी लोड है भाई, क्योंकि माल है जो मैं ट्रॉली में ज़्यादा डाला नहीं, क्योंकि ट्रॉली चढ़ेगी नहीं, तो आधा जो मैं मशीन में वो सामने खड़ी है मशीन, तो ये इसी रास्ते से गया था भाई मैं। तो ये देख सकते टायर के निशान, मशीन काफ़ी पहले ले गया था। तो ये है भाई यहाँ पे जो रिस्क है ना, यहाँ पे चढ़ेगी नहीं मशीन, मशीन भी देखेंगे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, पर ये देखो भाई ये है चढ़ाई और इसका कोई इलाज नहीं भाई, तो ये चढ़ाई में चढ़ेगी नहीं भाई फिर इस वजह से। वैसे पता नहीं भाई चढ़ेगी कि नहीं, अर्जुन वो सामने खड़े हैं, तो मैंने भाई एक बंदे के खेत से ऐसे गुजार दिया है, इसने यहाँ पे पता नहीं क्या लगा रखा है। और दोस्तों जो फसल काटी थी हमने काटी थी वो सामने, एक मिनट आपको दिखा दूँ खेत, तो ये सामने दिख रहा है भाई इससे आगे वाला, तो इससे काटल फसल काटी है, सभी खेत भाई इसी का है, पर अभी चलो कोई नहीं, हम टाइम भाई ख़राब हो जाएगा। तो कंडीशन भाई कुछ ऐसी है, ट्रैक्टर बहुत मुश्किल से भाई वहाँ से लेके आया हूँ, तो मैंने यहाँ से भाई मशीन खड़ी कर दी और दोनों चीज़ खड़ी कर दी, क्योंकि ये बंदे का खेत है भाई, उसने बोला इतनी सी जगह से निकालनी है, तो मैंने मशीन यहाँ पे नहीं खड़ी की, यहाँ पे कर दी खड़ी। और मशीन में भी भाई ऐसा कि माल इसमें भी लोड है, क्योंकि ये भाई मैंने इसमें डाला नहीं ट्रॉली में, क्योंकि ट्रॉली अपनी पूरी भरी नहीं है भाई, इसमें 25,000 30,000 माल आता है, 25,000 डाला है, जो बाकी जेड़ा जो भाई जेड़ा पंजाबी बोल रहा हूँ भाई, तो जो बाकी बचा है भाई 5,000 जो मशीन के अंदर है, तो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि भाई ट्रैक्टर आगे से उठेगा और वहाँ पे चढ़ने में दिक्कत आएगी। मशीन में तो चलो कोई नहीं, देखेंगे बाद में हो जाएगा सब सेटवेट। तो चलते हैं भाई ट्रैक्टर को लेके, पहले ऐसा करते हैं मशीन चढ़ाते हैं भाई, अगर बाई चांस मशीन निकल गई ट्रैक्टर फंस गया तो फिर हम टोचन डाल सकते हैं। तो मशीन में पूरा भाई 100% माल है, सॉरी इसमें भाई 31,000 है, 31,000 है। ओए
भाई यहाँ कीचड़ है क्या? मशीन तुरती नहीं भाई। भाई पिछले टायर धस गए कहीं। भाई यहाँ धस रही है मशीन। थोड़ी सी स्पीड में भाई गड़बड़ है यार। माल से भाई नहीं चढ़ेगी मशीन, क्लच प्लेट का तो नुकसान ना हो जाए भाई कोई। यार भाई ये खेत में भी थोड़ी सी गीला बनना है, मशीन चढ़ नहीं रही यहाँ पे भी। तो भाई वीडियो देख लिया करो, इसी वजह से भाई आप बोलते वीडियो नहीं बनाते। तो भाई वीडियो कहाँ से बनाऊँ, आप कोई देखते हैं भाई अपनी वीडियो को। तो मशीन चढ़ाते हैं भाई पहले, तो मीडियम का पहला लगा लेते हैं। उतर तो गई थी भाई, चढ़ेगी मुश्किल ही है। चल 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 भाई नहीं चढ़ी। पहला लो भाई, नहीं चल रही है। 4x4 भी कर रखी है मशीन मैंने, पिछले टायर भी जोर लगा रहे हैं इस वक्त। चल 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 भाई नहीं चढ़ रही मशीन। तो रिवर्स ही कर लेते हैं भाई, चढ़ नहीं रही है। बंद हो गई, बंद हो गई भाई, बंद हो रही है मशीन। मैंने भाई मालिक से पहले कहा था भाई इसको मत भेजो करतार को, हिंद को लेके चला जाता हूँ, मशीन पुरानी है वो। ये देखो भाई यहाँ पे है भी कीचड़ है ना यार। मशीन को भाई क्लच प्लेट का स्लिप कर जाती है भाई जल्दी। भाई बिल्कुल फंस गई मशीन। तो दोस्तों मशीन फंस गई है, पूरी फंस गई। क्योंकि क्यों फंस गई है भाई, इसके पिछला टायर धंसा हुआ है और भाई लैंडमार्क सही नहीं है, मशीन तो फंस गई है। तो कहाँ के भाई, न्यू लैंड टोचन डाल के निकाल लेते हैं इसको यार रिवर्स करके। तो इसलिए ट्रैक्टर लेके आया हूँ भाई मैं। तो ये भी भाई खेत था, ये हमने पहले काटा था, वो वाला रहता था भाई। मुश्किल है भाई मशीन का निकलना। तो मशीन है जो भाई आगे को नहीं चलती है क्योंकि
आगे टोचे नहीं लगता, पीछे लग जाता है। तो पहले तो भाई ऐसा करते हैं, मशीन को साइड में ही कर लेते हैं, खाली करके चढ़ाएंगे, क्योंकि ये चढ़ नहीं रही बेट के साथ, क्योंकि कंबाइन मशीन में आपको पता ही है भाई बेट कितना होता है। लग गया, लो गियर भाई डाल रखा है। यार ये भाई स्टीयरिंग की सेटिंग अब सही हुआ है तो आगे मशीन। ओए ओए यार स्पीड कुछ ज़्यादा है भाई प्लेयर की, तो मशीन के टायर में भाई सीधे कर लूँ। मशीन के टायर भाई करने पड़ेंगे सीधे, घुमा लेता हूँ दूसरी तरफ ताकि भाई कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए। भाई बहुत मुश्किल है यार निकालना मशीन को, तो उसके टायर भाई उधर जा रहे हैं। तो ऐसा करना है पहले भाई मशीन को ही निकाल लेते हैं। भाई एक तो चल नहीं रही है ना, मेरे मन मुताबिक नहीं चल रही है मशीन। चलो कोई नहीं भाई, मशीन तो साइड में हो गई, अब लेके आते हैं अर्जुन मशीन को तो डाल लेंगे भाई टोचन, कोई चक्कर वाली। ट्रैक्टर मेन अपना पहला हाई में तो भाई बुड़क के चल रहा है पूरा ट्रैक्टर। दूसरे में चलते हैं भाई आराम से, माल भी भाई काफी है ट्रॉली में। तो ट्रैक्टर भाई दो इसलिए थे मेरे पास ट्रैक्टर थे, इसलिए मैंने सोचा चलो लोड कर लिया जाए, टोजन डाल के निकाल लेंगे बाद में। तो दो ट्रॉलियाँ तो हैं नहीं अपने पास, बाकी मशीन को टोचन डाल के निकाल लेंगे भाई। पहला हाई लगा दिया मैंने, ले गया भाई, अड़ गया ले गया भाई, ले गया अकेले। भाई बिल्कुल ट्रॉली जब फंसी हुई है भाई, देखो। तो भाई वैसे आधी चढ़ गई है, पहला हाई लगाते हैं फिर। नहीं नहीं भाई नहीं चढ़ रहा है, चढ़ गया शाबाश, चढ़। ये रास्ता भाई एक तो यही है ना, गेयर आगे डाला ट्रैक्टर पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों चढ़ तो जाना था, पर चक्कर भाई ऐसा है कि
कीचड़ है भाई। देखो आपको आवाज़ भी सुन रही होगी भाई, कीचड़ की साउंड भी सुन रही होगी, ये कीचड़ है भाई। इस वजह से ट्रैक्टर नहीं चढ़ रहा है। तो चलो कोई नहीं, हमारे पास टोचन डाल लेते हैं भाई। टोचन किस काम आएगा, कब आएगा, मशीन को भी चढ़ाएंगे बाद में। मशीन का जोर भाई मैंने इसलिए इतना नहीं लगाया क्योंकि इसकी क्लच प्लेट होती है नाजुक, टूट जाती है भाई अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे। नई मशीन है यार। तो यहाँ पे भाई आना जाना लगे रहेगा, इसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि और भी फसल है भाई काटने वाली। ये तो पहला ही मतलब गेड़ा है क्योंकि ये बरगेड़ ट्रॉली फिर निकालनी ज़रूरी थी, समझ रहे हो ना दोस्तों आप। चल 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 चल, निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए। टोचन से तो भाई पूरा काम निकल गया। वैसे हम निकालते हैं टोचन, मशीन की बारी है भाई बाहर उसको निकालने की। पहले ट्रैक्टर को साइड कर लेते हैं, ब्रेक लगा रखी है फिर पीछे जा रहा है। एक दो तीन, चल 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 भाई। अर्जुन यार पावरफुल ट्रैक्टर है भाई, पावरफुल, दबदा कितने है। कहते दबदा कितने भाई, कितने दबदा, खिंची जाता भाई चढ़ाई दे यार। ट्रोली भी देखो भाई, ट्रैक्टर से बड़ी ट्रोली लगा रखी है। बह गया बह गया बह गया। भाई रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं। चल 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 चल, चढ़ाई है क्योंकि भाई काफ़ी ऊंची है। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ पे रोक देते हैं इसको और ये उठ गया आगे से। ट्रैक्टर गर्म भी हो गया होगा तो भाई इसको स्टार्ट ही रखते हैं। हम निकालते हैं अपनी मशीन, चल भाई चलती नहीं भाई मशीन, तोरा ही नहीं भाई मशीन का। भाई पहला लगाते हैं इसका, देखो भाई पहला ही लगा रखा गियर, रेस दे रखी है मशीन की, चलती नहीं भाई, पूरी एक्सीलेटर दबा रखी है भाई। चल भाई बंद, भाई धुआं मार रही है, चल ही नहीं रही है, फिर बंद होगी तो आने दो भाई पीछे। इसको स्पीड में लेके आते हैं, पहले हाई में। ओए 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 भाई ऊपर जाके रुक गई, फिर लेके आते हैं पहले हाई में।
भाई मेरे से खुद एक्सीलेटर कम हो गया क्योंकि वो पेड़ आ गया एकदम। चल अब एक्सीलेटर कम नहीं दूंगा भाई। भाई मीडियम का तीसरा भाई बहुत मुश्किल है यार ये तो। मीडियम के तीसरे में नहीं जा रही है ऊपर। दूसरा मीडियम भाई करतार भाई लोड है मशीन में इसलिए ये चढ़ नहीं रही है। पहला मीडियम लोड है मशीन भाई क्योंकि माल है बीच में। ये देखो भाई पहले लो में भी सॉरी उसमें बंद हो रही है तो चौथा लो लगा लेते हैं भाई। इसका मुश्किल है भाई इसका तो थोड़ा। चढ़ गई फाइनली। भाई बेट है और यार इनकी आपको बताइए चैन वगैरह नहीं होती मशीन की तो अभी पहला मीडियम लगा रखा गियर पर मशीन चल नहीं रही बिल्कुल भी। तो इसको पहले भाई लगाएं ठिकाने। मशीन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है हमने क्योंकि भाई मुझे लग रहा है कि सर्विस इसकी भी देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ भाई टूट फूट ना हो। मशीन बिल्कुल भाई बढ़िया है ये। चल चल भाई इसको अब लगाएंगे इसको छाँव में थोड़ी देर भाई रेस्ट करेंगे एक घंटा इसको नहीं चलाएंगे क्योंकि मशीन की भाई हमने आज हालत है जो इंजन बिल्कुल गर्म हो हुआ है भाई। इसका मीटर देखो भाई कहाँ तक चला गया है इसका टेम्परेचर वाला। इसको लगाते हैं भाई आराम से छाँव में। बाकी भाई इसको हम लेके जाएंगे यार अपने वहाँ पे भी भाई जैसे कि आपसे बात हो रही है मशीन को तैयारी करनी पड़ेगी। मशीन हमने भाई यहाँ पे खड़ी कर दी क्योंकि काफ़ी मतलब कि इंजन भाई गर्म हो गया मशीन का। बाकी बीट भाई उतारेंगे पहले हम निकालें भाई इनको जो अपना ट्रैक्टर अर्जुन चौथा मीडियम तीसरा मीडियम लगाते हैं भाई। मीडियम में बोलते जोर ज़्यादा होता है भाई ये तो चल नहीं रहा है। चौथा भाई भाई ये तो फंस गया। चल ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया चल 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 शाबाश। भाई फंस गया यार डालना ही पड़ेगा टोचन। भाई गियर कौन सा है इसकी तो मैंने यार गियर तो डाला हुआ है। ओ सॉरी भाई गियर पहला ही
पे ही निकल गया वो ट्रैक्टर खुद ही। चल भाई चल चल अर्जुन, तेरे पे भरोसा है पूरा, तू मेरे भाई भरोसा ना तोड़, भरोसा ना तोड़। यहाँ से चढ़ाई गम है, पहला हाई गियर है, आरपीएम टूट रहे हैं भाई ट्रैक्टर के, चक्कर तोड़ के चल रहा है पूरा। 1800 आरपीएम रखा है ट्रैक्टर, जो भाई इस वक्त 1000 आरपीएम, 800-900 आरपीएम पे चल रहा है, तो इतने चक्कर तोड़ के चल रहा है। तोड़ने बनते हैं भाई, क्योंकि ट्रॉली यार इतनी बड़ी है। तोड़ना जायज है भाई, दूसरा हाई लगाएंगे तो बंद हो जाएगा। चल भाई चल भाई, चल पड़ा चल पड़ा चल पड़ा, पकड़ ली रेस पकड़ ली रेस, बस पकड़ ली। अब ये लगाया दूसरा, अब तो कहाँ भाई दबेगा। तीसरे में चल रहा है भाई, तीसरे में है। तो पहले तो भाई कल, अभी बाद में चलेंगे मंडी, ट्रैक्टर को लगाते हैं अपने के शेड में। चल भाई चल चल चल, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, दूसरे में खींच रहा है भाई, दूसरे में खींच रहा है। ठीक है भाई, लो भाई पहुंच गए सही सलामत, ट्रैक्टर भी निकाल दिया हमने भाई वहां से, बाकी कैंट कम भाई। तो ठीक है फिर आज की वीडियो में भाई इतना ही, अच्छी लगी होगी आज की वीडियो आपको, कमेंट करके बताना। और ऐसे ही भाई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नई ऐसी वीडियो लेके, तब जय हिंद वंदे मातरम।